माशाल्लाह से मिसाले को अच्छे तरीके से तड़का लग चुका है, तो अब इसमें पालक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा ताज़ा पालक है आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? निकलते हैं आप सभी है खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से अभी ना हम बना रहे हैं, ये देखें पालक, और बिल्कुल ताजी है, फ्रेश फ्रेश, अभी मैं तोड़ के ले आई हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और माशाल्लाह आज मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंड बहुत आ गई है, असर भी लग रही है और बादल वगैरह भी आए हैं, लगता है कि बारिश भी आएगी, बता रहे हैं। तो मैंने कह कब बता कर गए हैं, कब बता कर गए हैं, सब कह रहे हैं ना। कौन कह रहा है? मैंने सुना है, सब कह रहे थे कि बारिश आएगी, तो फिर मैं भी कह रही थी बारिश आएगी। किसी ने कहा तो नहीं है? कहा है किसी ने भी नहीं कहा, ऐसे खुद से कह रही है ये। चलो देखते हैं आती है या नहीं आती बारिश। पालक जबरदस्त है ना? हाँ बिल्कुल, देसी पालक है, नरम नरम और सब्ज सब्ज पालक है। ये देखें जी, पानी का तरकाव किया है माशाल्लाह से अभी, और उस्मान के ऊपर वाकई आज बादल हैं, ये देखें काफ़ी गहरे हैं, बारिश भी आ सकती है लेकिन पता कोई नहीं है आती है कि नहीं आती। जी जी ठीक है। तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, काम कार करके अभी हम काम से फारिग हुए हैं, क्योंकि चूल्हा जो है कुछ कल बनाया था कुछ आज बनाया, वो भी दिखाते हैं आपको। वो देखें जी, उस्मान और उमर क्या है? वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो दोनों? अच्छा के कपड़े बेपा उस्मान सर्दी लगी हुई है, रोट पिया ही अच्छा जी, इसकी ना गाड़ी टूट गई थी तो आज इसको बना कर दिया है, फिर वो तेरी खैर। ये देखें जी, ये चल रही है जी, तो जी किचन में ईंटें मुकम्मल लगा दी हैं माशाल्लाह से, और पानी का भी एक बार नतरकाव कर दिया, इसको सुबह ना सीमेंट करेंगे, और उधर ईंटें कम हो गई थी तो रोड वगैरह डाल दिए, उसके ऊपर सीमेंट कर देंगे, चूल्हा कल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। वाह जी वाह, आलू तो काट लिया। हाँ जी, आधा किलो मैंने आलू काट लिए, और इधर हरी मिर्चें टमाटर प्याज ये सब कुछ भी मैंने रेडी कर लिया है, और अभी आलू को धोते हैं। पालक को मैंने धो के उधर रख दिया, मैंने कहा उसका पानी नीचे जाए। हाँ ये देखिए जी, पालक धो कर रखी है, और आज जी सर्दी बहुत है, ठीक है, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, मैं इसको मैंने नहीं सर्दी है ना। हाँ शिबाना को मैंने कहा जी जल्दी खाना बनाओ, फिर रजाया में ना बच्चों को सुलाएं, क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं है ना, और हाँ चाय बना कर पी ली है, और वसीम सोनिया ठीक है वो गए हुए हैं शादी पर, तो हमें भी उन्होंने कहा कि चलो, हमने कहा कि हमने नहीं जाना क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस आज उनकी रोटी है ठीक है, वो भी रात को तकरीबन आ जाएंगे 9-10 बजे। जी जी, धो लो। पता है पहले ना शिबाना कहती थी कि इधर ना पानी वाली टूटी ना लगवाओ, ठीक है, अब काम आ रही है ना, काम तो आ रही है। हाँ बाहर जो किचन में बंदा काम करता ना, इधर पानी वाली टूटी होना लाजमी है। हाँ, ये कहती थी कि सिर्फ ना इस किचन में हो उस वहाँ ना हो, बाहर ना हो। आज जी जानवरों को ना जलती घास डाला था, ठीक है, उन्होंने माशाल्लाह से खा लिया, ये देखे आराम से खड़े हुए हैं, तो इनकी ना जगह बाहर और अंदर ना अच्छे तरीके से ना साफ कर दिया, गोबर को ना उठा के बाहर डाल दिया है। उस्मान भी अभी फिर आ रहा है, ये देखें। ओए उस्मान की कौन सी गाय है? हाँ कौन सी गाय है उस्मान की, कौन सी गाय है? ये गाय है उस्मान की जी, ये गाय है। हाँ और ये भी ब्लैक जो है ऐसे, हाँ 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 वो कट्टियाँ भी उस्मान की हैं जी। हाँ बकरी भी उस्मान की है, ये देखें। इसके काम चेक करें जी, इसे ना कुछ भी नहीं कहते, ये बछड़ा भी वो जो अंदर कट्टी बैठी है वो भी, हाँ बैठी हुई है, इसके ऊपर चढ़ कर बैठ जाता है सामान।
अच्छा जी, उस्मान को बहुत ज़्यादा शौक है जानवरों का, सारा दिन इधर ही रहता है। मैं भी इधर घास वगैरह जानवरों को डालता रहता हूँ, ठीक है, इनकी ना देखते रहते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं जानवर, तो ये भी सारा दिन इधर रहता है। बस बस इसका ख्याल रखते हैं क्योंकि ना जानवर बड़े हैं, ये छोटा है, ऐसे ना उस्मान। हाँ आओ चलें घर अब, और ना अंदर लाइटिंग का ना इंतज़ाम नहीं है, ठीक है, तो इधर ना लाइटिंग का भी इंतज़ाम करते हैं कल तक, क्योंकि जानवर रात को ना बांधने पड़ते हैं ना, फिर रात को देखना भी पड़ता है, क्योंकि जानवर कोई छूट भी जाता है ना तो फिर मसला बन जाता है। ऐसे बस ये कहते हैं कि अब अंदर बांधो, थोड़ी देर के बाद बांधेंगे क्योंकि अभी ना आधा घंटा रहता है सूरज ग्रूप होने में, तो फिर अंधेरा होगा ना, इनको अंदर बांधेंगे क्योंकि जगह ना इधर थोड़ी मिट्टी वगैरह डालेंगे तो फिर बांधेंगे। ऐसे हाँ आओ चलें। बकरी जी पी रही है लस्सी, ये देखिए इस टाइम इनको लस्सी पिलाता हूँ सुबह भी और शाम को भी। बकरी अब मोटी हो गई है माशाल्लाह, ये देखें। लस्सी ना शौक से पीते हैं जानवर, ये बकरी हो गई, बछड़ा हो गया और भेड़े हो गई, पी ली है। ये भी पीता है, कभी पीता है कभी नहीं पीता, आज नहीं पी रहा, पता नहीं क्या वजह है, पिएगा पहले ऐसे करता है। पी लो यार, तो माशाल्लाह से मिसाले को अच्छे तरीके से तड़का लग चुका है, तो अब इसमें पालक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ धुल दे। आग ज्यादा जला दिया ना आपने, लकड़ी ज्यादा डाल दी है, चलो कोई बात नहीं, नीचे भी गिर गई है पालक, थोड़ी सी गिरी है। पालक जी जलती बनती है, हाँ, तेज नहीं लगती, मेथी पालक ये को आदन प्रून जरे इन पालक आई इसमें ना सुराख होते हैं, दिखा ना थाका। ये देखिए अभी ना देखती जो है फूल हो गई है, थोड़ा ना आग जलाएंगे, ये ना खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें आलू डालेंगे। सुस गई है, हाँ जी, अब इसमें आलू डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा जी, उस्मान है ना चीज लिया है, देखे दुकान पर गए थे, हाँ बिस्कुट लिया हुआ है। उमर कहता है कि ना मैं पैसे देता हूँ, आपने मुझे दे दो, कहता है कि नहीं, ओए कपड़े नहीं बदलाए आपने, चेंज नहीं किया, इसने कहा मुझे दूध फिल्टर में डाल दो, मैं दूध पी के फिर मैं मुंह धोऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा। चलो चलो कपड़े चेंज करो। माशाल्लाह से अभी ना शबाना बना रही है रोटियां, हां जी तो तंदूरी पर बनाई है चाची जान ने, तो फिर मैंने कहा चल तवे पर मैं बना लेती हूं, और मक्खन भी ले आए हैं, देखिए साग और पालक का साग और मक्खन डाल कर खाएंगे। वैसे बाहर अंधेरा हो गया बिल्कुल, और उमर ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। उमर इधर दिखाओ कपड़े, और ये देखें, ये तो बंद करो बटन लगा, हाँ सर्दी नहीं लगती आपको, नहीं लगती,